इस इवेंट का नाम है लिविक एडवेंचर। तो क्या है ये इवेंट और हम इसे किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं इस बेहतरीन आउटफिट को लेने के लिए, चलो फटाक से देख लेते हैं। और ये जो बेहतरीन सीजन 14 रॉयल पास का आउटफिट है गाइस, ये उस रीजन रिवॉर्ड के अंदर ही हमें मिल जाएगा। सो अगर आप भी उन प्लेयर्स में से एक हो जिसके फोन में अभी तक लिविक मैप अपडेट शो ही नहीं हो रहा है गाइज, सो उसके लिए आपको कोई भी फ्री VPN इंस्टॉल कर लेना है और USA का कोई भी सर्वर कनेक्ट कर लेना है। हेलो गेमर्स, कैसे हो आप, क्या हाल है गाइज। रॉयल पास सीजन 14 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है, लेकिन ये रहा ब्लैक कमांडर सेट और ये हमें पहले ही मिल चुका है। आपको याद होगा जिस तरह से सीजन 13 का रॉयल पास स्टार्ट होने से पहले एक न्यू इवेंट आया था कार्टन रेंजर्स, ठीक उसी तरह से सीजन 14 रिलीज होने से पहले ही एक न्यू इवेंट आया है गाइज इस अपडेट के साथ, जिसको कंप्लीट करने के बाद हमें ये ब्लैक कमांडर सेट मिल जाएगा। और ये एक स्नीक पीक है सीजन 14 के रॉयल पास का, एंड इससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि सीजन 14 के रॉयल पास में किस तरह के आउटफिट्स हमें देखने को मिलेंगे। सो ये एक ऑफिशियल लीक है जो PUBG मोबाइल की तरफ से ही आया है। PUBG मोबाइल का लेटेस्ट मैप लिविक आज एड हो गया है और इस मैप का ही एक स्पेशल इवेंट आया है जिसे कंप्लीट करने पर हमें ये बेहतरीन आउटफिट यूज करने के लिए मिल जाएगा। इस इवेंट का नाम है लिविक एडवेंचर। तो क्या है ये इवेंट और हम इसे किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं इस बेहतरीन आउटफिट को लेने के लिए, चलो फटाक से देख लेते हैं। तो इसमें A से लेकर F तक 6 रीजन्स है गाइस, और इन 6 रीजन्स के कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स हैं जो हमें इनके स्पेशल मिशंस को कंप्लीट करने के बाद मिल जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी के लिए सारे मिशंस लॉक्ड हैं। तो आखिर क्या करना होगा हमें इन सारे मिशंस को अनलॉक करने के लिए। यहां इवेंट डिटेल्स के पॉइंट नंबर 1 में ये क्लियरली मेंशनड है गाइस कि जैसे ही हम लिविक मैप पर कोई भी एक मैच कंप्लीट करते हैं, A से लेकर F में से कोई भी एक रैंडम रीजन और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिशंस अनलॉक हो जाएंगे। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि हम या फिर हमारा कोई भी टीममेट ऐसे किसी हिडन मिशन को एक्टिवेट कर देगा जिसके बारे में अभी तक तो हमें नहीं पता है, लेकिन वो एक्चुअल मिशन है। सो उस पर्टिकुलर मिशन से रिलेटेड रीजन भी अनलॉक हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको A से लेकर F तक वो सारे मिशंस दिखाने वाला हूं गाइस। अगर आप उनको इस वीडियो में देखने के बाद पहले ही मैच में कंप्लीट कर लोगे तो आपके सारे रीजंस एक ही बार में अनलॉक हो जाएंगे। आपको उनके लिए 6 मैचेस खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी लिविक मैप के ऊपर। आप बस A से लेकर F तक सारे रीजन्स के जो मिशंस हैं उनमें से एक एक मिशन भी अगर पहले मैच में कंप्लीट कर लोगे तो पहले ही मैच में आपके सारे रीजन्स अनलॉक हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आप लिविक मैप के अंदर इन स्पेशल मिशंस को अपने टीममेट्स के साथ भी कंप्लीट कर पाओगे, लेकिन एक ऐसा पर्सनल मिशन भी होगा जिसको आपको अकेले ही कंप्लीट करना होगा। और पॉइंट नंबर 4 ये है कि हम जैसे ही एक रीजन के सारे मिशंस कंप्लीट कर लेंगे गाइस, तो हमें एक रीजन रिवॉर्ड मिलेगा। और ये जो बेहतरीन सीजन 14 रॉयल पास का आउटफिट है गाइस, ये उस रीजन रिवॉर्ड के अंदर ही हमें मिल जाएगा। सो ओवरऑल ये न्यू इवेंट लिविक एडवेंचर बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत भी अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपको 1x1 कुछ रीजन्स के सारे मिशंस कंप्लीट कर दिखाने वाला हूं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब रीजन A के शेयर्ड मिशंस जो हम अपने टीममेट्स के साथ कंप्लीट कर सकते हैं गाइस, उनमें सबसे पहला है डिस्ट्रॉय 16 व्हीकल टायर्स और दूसरा है एंटर अ टोटल ऑफ 10 डिफरेंट टर्फ हाउसेस। रीजन A का पर्सनल मिशन है एंटर द विंडमिल एट ल्यूपिनफेल्ट 1 टाइम। सो अब देख लेते हैं कि हमें इन रीजन A के सारे मिशंस को 1x1 कैसे कंप्लीट करना है। हमें यहां ल्यूपिनफेल्ट या फिर लूपिनफेल्ट कुछ भी कह लो, हमें यहां पर इस खूबसूरत फ्लावर गार्डन में आने के बाद इस विंडमिल में एंटर हो जाना है, हमारा एक मिशन कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर 16 व्हीकल टायर्स को ब्लास्ट कर देना है, फिर हमारा एक और मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और यहां लिविक मैप के ग्रोनस में आने के बाद आपको ये जो स्पेशल तरह के हाउसेस दिख रहे हैं गाइस, जिनकी छत पर घास उगी हुई है, इन्हें ही टर्फ हाउसेस कहते हैं। आपको ये लिविक मैप में यहां के अलावा और भी कई जगह दिख जाएंगे। सो हमें ऐसे 10 डिफरेंट टर्फ हाउसेस के अंदर एंटर होना है और हमारा रीजन A का लास्ट मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर इन तीनों मिशंस के रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करने के बाद हम रीजन A का मेन रिवॉर्ड भी कलेक्ट कर पाएंगे और हमें मिल जाएगा ये सीजन 14 का RP आउटफिट, ब्लैक कमांडर सेट। लेकिन इस RP आउटफिट का एक और पार्ट ब्लैक कमांडर हेडगियर अभी भी अनलॉक नहीं हुआ है। तो आओ देख लेते हैं ब्लैक कमांडर हेडगियर को कैसे अनलॉक करना है। इसके लिए मैंने रीजन F के मिशंस कंप्लीट किए थे गाइस, तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो। एंड रीजन F के मिशंस हैं ट्रैवल ओवर 3000 मीटर्स ऑन अ मॉन्स्टर ट्रक, किल 8 एनिमीज एट द वेयरहाउस। एंड रीजन F का पर्सनल मिशन है यूज अ बोट एट वॉटरफॉल। सो मॉन्स्टर ट्रक तो हमें बाकी सारे व्हीकल्स की ही तरह मैप में कहीं पर भी खड़ा हुआ दिख जाएगा। एंड वॉटर
वाटरफॉल में ठीक यहाँ पर आ जाएंगे तो हमें ये मोटर बोट मिल जाएगी, जिसे ड्राइव करने के बाद हमारा एक और मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और रीजन एफ का फाइनल मिशन जो हमें कंप्लीट करना है गाइस, उसके लिए हमें इस वेयरहाउस के अंदर 8 एनिमीज को फिनिश करना है। ये लंबर यार्ड या फिर लुम्बर यार्ड आपको मैप में इस जगह पर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर आ जाना है और 8 एनिमीज को किल कर लेना है, ये मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम वन बाय वन इसके सारे इंडिविजुअल मिशन रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर सकते हैं, और उन्हें कलेक्ट करने के बाद हम इस रीजन का मेन रिवॉर्ड भी ले पाएंगे। और ऐसे हमें फ्री एजी करेंसी के साथ साथ ये हेड गियर भी मिल जाएगा। सो गाइस, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि आप कैसे लिविक मैप के पहले मैच में ही इन ए से लेकर एफ तक सारे रीजन्स को अनलॉक कर सकते हो, और इसीलिए मैं आपको रीजन ए से लेकर रीजन एफ के सारे इंडिविजुअल मिशंस दिखा देता हूं गाइस। और आप इन्हें देखने के बाद रीजन ए से लेकर रीजन एफ के एटलीस्ट एक एक मिशन पहले ही मैच में कंप्लीट कर लोगे गाइस, तो आपके रीजन ए से लेकर एफ तक पहले ही मैच में सारे अनलॉक हो जाएंगे। तो आप में से अभी तक लिविक मैप पर जिसने एक भी मैच नहीं खेला है, वो यहां से इन मिशंस को देख लो और आसानी से कंप्लीट कर लो और अपने सारे रीजन्स को अनलॉक कर पाओगे। लेकिन आप में से कुछ लोग तो अभी तक यही सोच रहे होंगे कि अपडेट ही नहीं आया है तो लिविक मैप खेलेंगे कैसे। सो अगर आप भी उन प्लेयर्स में से एक हो जिसके फोन में अभी तक लिविक मैप अपडेट शो ही नहीं हो रहा है गाइस, सो उसके लिए आपको कोई भी फ्री वीपीएन इंस्टॉल कर लेना है और यूएसए का कोई भी सर्वर कनेक्ट कर लेना है। और फिर आपको अपनी ऐप की सेटिंग्स में से जाने के बाद अपने प्ले स्टोर की कैशे मेमोरी को इरेज कर देना है, और फिर आप जब अपना प्ले स्टोर खोलोगे गाइस तो आपको पबजी का लिविक अपडेट दिख जाएगा, और फिर आप भी अपने उस वीपीएन को रिमूव कर लेने के बाद अपने अपडेट को इंस्टॉल कर पाओगे। तो मेरे भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मैं लेकर आता हूं आपके लिए ऐसा ही एक और बेहतरीन वीडियो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।